सामने आपको एक क्या दिख रहा होगा, ये डीप फ्रीजर का जो अपना वॉकिंग वगैरह होते हैं माइनस की मशीनें होती हैं, ये वो वाली मशीन है। इसमें क्या किया अभी, अभी कंप्रेसर बदल के, इसमें सामने ये कंप्रेसर पड़ा हुआ, कंप्रेसर बदल के इसकी पूरी इंस्टॉलेशन करके अभी अपन इसमें गैस भर रहे हैं। क्या हमने सबको गैस भरने में ज़्यादा दिक्कत आती है, इसलिए ये वीडियो बना ले रहे हैं। देखिए अभी क्या किया हमने, यहाँ से गैस चार्ज करते हैं, एक पाइप यहाँ लगा लिया और एक लगा लिया डिस्चार्ज पर, और ये दोनों लगा दिए गेज पर। ये गेज पे आपको दिख रही होंगी, दोनों गेजें यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है। और हमारा एक बीच में से जो लिया हमने, ये वैक्यूम पे लगा दिया। करीबन हमको एक घंटे इसका वैक्यूम करना, एक घंटे वैक्यूम करके, और वैक्यूम करते टाइम माइनस की मशीन में एक ध्यान रखें, जो आपको सोलेनॉइड वाला है इसको डायरेक्ट सप्लाई देकर चालू करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या करेगा, लाइन का रोक देगा, पूरा साइकिल रोक देगा, मतलब पूरा अंदर और बाहर का ये होने नहीं देगा, अंदर अंदर का नहीं होने देगा, बार बार का वैक्यूम कर लेना है। ये सोलेनॉइड जरूर खोलना, क्योंकि ये साइकिल अपना पूरा करता है गैस का। अब इसमें कुछ भी करने से पहले हमको वैक्यूम जरूर चेक करना है कि हमारा वैक्यूम पूरा यहाँ पे माइनस में ये कांटा दिख रहा है, ये चिपक जाना चाहिए। चिपकने के बाद इसमें क्या करेंगे, अपन गैस फिल करेंगे। गैस फिल कौन सी करेंगे, इसमें 404 है, ये कौन सा R404, और ये नया बॉटला लाएँ, हमेशा सील पैक बॉटल लाएँ, ना कि यूज लाएँ। यदि आप लूज गैस लाओगे तो क्या हो सकता है, गैस मिक्स भी हो सकती है, और आपकी गैस की जगह आप दूसरी चीज़ें गैस भी मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। ये एकदम सील पैक आएगा यहाँ से, ये सील पैक खोल के और फिर इसमें भरें, इसमें ज़्यादा गैस नहीं भराएगी, करीबन 3 किलो गैस के आसपास इसमें फिल हो जाएगी, और ये अपन को माइनस में चला जाएगा। जब ये माइनस में चला जाएगा तो स्लो गैस डालना, ना कि एकदम ठूस देना है। एकदम ठूस दोगे तो क्या होगा, ये कंप्रेसर आपको रिजल्ट सही से नहीं देगा। और इसको गैस डालते टाइम ये बॉटल को हमेशा उल्टा कर लें कि इसमें जो लिक्विड है ना, वो लिक्विड इस मशीन को मिल जाना चाहिए। गर्मियों में इशू क्या आता है, बहुत से लोग ये बॉटल से जब भरते हैं गैस तो क्या सीधा रख के भर देते हैं, सीधा करके क्या होता है, या ऊपर गर्मी के कारण जो गैस होती है वो तो चली जाती है प्रेशर से, मगर जो नीचे लिक्विड जमा रहता है, जो मेन चीज़ होती है, वो नहीं जा पाती मशीन में। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि उल्टा करके डालें इसको, जब डालेंगे तभी मैं बताता हूँ कैसे डालते हैं। अभी क्या इसमें गैस डालेंगे, ये गैस लगाने से देखो पाइप का क्या, थोड़ा सा गैस यहाँ से निकाल लें तो जो अपने पाइप में एयर वगैरह होती है वो पास हो जाए। जब एयर पासिंग हो जाएगी तो क्या होगा, जो हमारा वैक्यूम का इसमें एयर का, वो एयर नहीं जाना चाहिए, थोड़ी सी इसमें से यहाँ से निकल जानी चाहिए, हल्की सी जब गैस आ जाएगी यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि निकल गई, ठीक है। अब इसको उल्टा कर लिया अपन ने, उल्टा करके क्या इसमें देखो यहाँ से गैस निकल गई, ठीक है। अब क्या इसको उल्टा कर लिया, उल्टा करके अपन क्या करेंगे, इसका लिक्विड चार्ज चला जाएगा ये पूरी मशीन में, और इसको अपन चालू कर देंगे। देखो अभी गैस भर देंगे इसमें, और इसके गैस के प्रेशर अपन दोनों ऑन कर देंगे, कर दो। ये देखो ये मशीन में गैस गई, ये दिख रहा है यहाँ से, ये गैस चली गई, देखो ये गैस चली गई, इसका प्रेशर चला गया गैस का, अभी ये पूरा इसमें चार्ज हो जाएगी गैस अपनी, ठीक है। अभी अपन इस तरफ से भी प्रेशर देखेंगे इसका कितना जा रहा है, ये देखो अभी अपन ने क्या इसमें दोनों तरफ से गैस डाली है, कैसे डाली है, दोनों तरफ से, यहाँ पर चार्ज लाइन में भी डाली और डिस्चार्ज लाइन में भी डाली, यानी आउटपुट इनपुट में इसलिए गैस डाली क्योंकि इसमें बीच में सोलेनॉइड यहाँ पर रहता है। अब इसमें गैस धीरे धीरे करके अपन फिल कर देंगे इसमें, ठीक है। इसमें गैस फिल कर दी, जो आपको गैस दिख रही है ये यहाँ पे, ये आपको कितनी भरती, ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 पाउंड ये रहेगी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये प्रेशर हमारा चला जाएगा 250 से 300 के बीच में। अब धीरे धीरे करके इसमें गैस फिल कर देंगे इस मशीन में, ये 404 की मशीन है, देखो इसमें अभी आपको एम्पियर दिख रहा होगा, 3-3.5 एम्पियर ले रहा है, धीरे धीरे इसका जैसे गैस भरते जाएंगे एम्पियर बढ़ता चला जाएगा, और ऐसे ही इसमें R404 भरते हैं। देखिए इसमें लिक्विड जाना बहुत ज़रूरी होती है, जा रही है ना लिक्विड जो दिख रही है, लिक्विड इस मशीन में बहुत अच्छे से जाना चाहिए, और धीरे धीरे गैस डालना है, एकदम झटके से नहीं डालना आपको। देखिए यहाँ पे जैसे आइस दिख रहा है ना, ये देखो आइस आ गया होगा, ये लाइन ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये आइस आ गया इस मशीन के अंदर दिख रहा है, ये यहाँ पे ये धीरे धीरे करके ठंडा कर लेगी, और ये प्रेशर का आपको पूरा ध्यान रखना है, तो प्रेशर गड़बड़ जरूर ना हो, क्योंकि मशीन में खास चीज़ प्रेशर ही होती है। स्लोली करके पूरा चार्ज कर देंगे, और यहाँ पे देखो गैस दिख रही होगी आपको आती हुई, ये दिख रही चलती हुई, देखो बस अब ये धीरे धीरे मशीन क्या करेगी, डीप में चली जाएगी अपनी, और ऐसे ही गैस चार्ज हो जाएगी।